बसमिल रहीम असल हेल्ल एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम ट्रांसलेशन स्टडीज़ ट्रांसलेशन एंड नियोलॉजिज़म कन्फ्रंटिंग द नावल इस वीडियो में हम नियोलॉजिज़म के कन्सेप्ट को समझेंगे और साथ में ट्रांसलेशन में न्योलॉजिज़म का क्या कंसेप्ट है सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्ट नियोलॉजिज़म अ नियोलॉजिज़म रेफर्स टू अ न्यूली क्वाइंड वर्ड और प्रेस दैट इज़ नॉट येट वाइडली रिकग्नाइज और एक्सेप्टेड इन जनरल लैंग्वेज यूजेज न्यूलिजिज़म का कंसेप्ट कुछ यूँ है कि एक नए वर्ड को जब कोइन किया जाता है या एक नई प्रेस को जब कोइन किया जाता है लेकिन उस नए वर्ड को और उस नए प्रेस को जर्नल में एक्सेप्ट नहीं किया जाता मींस लाइक like, उसको ज़्यादा रिकगनाइज़ नहीं किया जाता उसको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता किसी भी लैंग्वेज में लाइक like, मैं आपको आगे एग्जांपल्स भी दूंगा ताकि आपको बेहतर समझ आ सके दीज टर्म्स आर ओपन क्रिएटेड टू डिस्क्राइब इमर्जिंग कन्सेप्ट ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अब ये हर जगह में आपको देखने को मिलेंगे लाइक टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी आपको ऐसे वर्ड्स ऐसे प्रेस सुनने को मिलेंगे ठीक है कुछ ट्रेंड्स होते हैं आप सोशल मीडिया पे देखते हो और कुछ इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं न्यूलॉजम्स कैन राइज फ्राम वेरियस सोर्सेस इसके मुख्तलिफ सोस होते हैं इंक्लूडिंग पॉपुलर कल्चर साइंस फिक्शन एंड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी सो सेम टू सेम ये सोर्सेज होते हैं जिसमें आपके पास जो है पॉपुलर कल्चर आ जाती है साइंस फिक्शन और आ, जो टेक्नोलॉजी है उसमें एडवांसमेंट यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है ये तीन एग्जांपल्स इससे बेहतर आपको समझ आएगी साइबर बुलिंग डिस्क्राइब साइबर बुलिंग क्या है डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ यूजिंग डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स सच एज़ सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स टू हरास इंटमीडियट और हार्म अदर्स अब साइबर बुलिंग क्या है ये एक नियोलॉजिज़म वर्ड है ठीक है बहुत से लोग इसे वाकिफ़ नहीं होते बहुत से लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया होता बहुत से लोगों ने इसे रिकगनाइज़ नहीं किया होता है तो ये क्या है ये एक नियोलॉजिज़म वर्ड है या न्योलॉजिज़म प्रेस है अब इसे प्रेस तो हम नहीं कहते लेकिन ये एक वर्ड है पोडकास्ट पोडकास्ट क्या है अब पोट ऑफ आई पोड एंड ब्रॉडकास्ट इट रेफर्स टू अ डिजिटल आडियो और वीडियो फाइल सीरीज दैट कैन बी स्ट्रीमड और डाउनलोडेड फॉर लिसनिंग और अब ये जो वर्ड है ये आजकल आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे और पॉडकास्ट आप में से बहुत से लोग देखते भी होंगे पॉडकास्ट में क्या होता है आप अगर यूट्यूब यूज़ करते हो तो आपने ज़रूर इस वर्ड को और इसके वीडियोस पॉडकास्ट की वीडियो ज़रूर देखे होंगे दो बंदे सामने होते हैं दोनों के पास लाइक माइक्स होते हैं एक जो होस्ट होता है वो क्वेश्चन करता है और जो दूसरा लाइक मेहमान होता है वो जो है क्या करता है उसे जवाबा देता है तो ये क्या है ये पोडकास्ट है इसी तरह व्लॉगिंग ब्लॉग का वर्ड आपने सुना होगा अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियो ब्लॉग ये क्या है एक शॉर्ट फॉर्म है वीडियो ब्लॉग का ठीक है इट रेफर्स टू अ ब्लॉग और जनरल इन वीडियो फॉर्मेट टाइपिकली शेयर ऑन प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब ये वर्ड भी लाइक ये इसकी वीडियोज़ भी आप कहाँ देखते हैं ज़्यादातर यूट्यूब पर व्लॉगिंग की वीडियोस आप कहाँ ज़्यादातर देखते हैं यूट्यूब पे इसी तरह हमारे पास और एग्जांपल्स हैं जैसे एफ़ ओ एम ओ अभी एकम है इसका क्या मतलब है फेयर ऑफ मिसिंग आउट एफ़ ओ एम ओ का क्या मतलब है फेयर ऑफ मिसिंग आउट मीन्स रेफरिंग टू द फीलिंग ऑफ एन्जाइटी जब आप इन्जाइटी फील करते हो और अन इज़ कॉज्ड बाई द बिलीव दैट वन इज़ मिसिंग आउट रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस और इवेंट्स मतलब कोई बंदा जो है लाइक like, इवेंट्स है मिस uh, है तब आप जब आप एक, एक किस्म की एन्जाइटी फील करते हो उसको हम क्या कहते हैं फेयर ऑफ मिसिंग आउट इसी तरह एच ए एन जी आर वाई हैंंग्री अ कम्बिनेशन ऑफ हंगरी हंगरी वर्ड आपने सुना है एच यू एन जी जी आर वाई और दूसरा जो इसके साथ कंबिनेशन की वो कौन सा वर्ड है एंग्री एन जी आर वाई सो इट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ बींग इरिटेबल और शॉर्ट टेम्पर ड्यू टू हंगर मतलब जब आप भूख की वजह से कम वक्त में लाइक जब आप एक किस्म का टेम्पर एक किस्म का गुस्सा जो है फील करते हो या शो करते हो तो उसको हम क्या कहेंगे उस सिचुएशन को हैंगरी एच ए एन जी आर वाई ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है एक हंगरी एच यू एन जी आर वाई और एच ए और एक दूसरा जो वर्ड है वो क्या है ए एन जी आर वाई सो आई होप आपको नियोलॉजिज़म वर्ड का कंसेप्ट समझ आया अब ट्रांसलेशन एंड नियोलॉजिज़म क्या है ट्रांसले न्योलॉजिज़म ये अगेन वही बात हो रही है यहाँ पे कि एक न्यूली क्वाइं वर्ड्स लाइक पोज़ यूनिक चैलेंजेस फॉर ट्रांसलेटर अब एक ट्रांसलेटर के लिए ये एक यूनिक चैलेंज होता है क्यों क्योंकि एक नया वर्ड होता है उसे पता नहीं होता कि इसका क्या मतलब हो सकता है या उनके कल्चर में इसका क्या मतलब जिनके लिए ये ट्रांसलेट करेगा उनके कल्चर में इस वर्ड का क्या मतलब हो सकता है इन मैनी केसेज न्योलॉजम रिफ्लेक्ट्स न्यू टेक्नोलॉजीज़ कल्चर ट्रेंड्स सेम टू सेम पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि ये क्या होता है ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ की वजह से कुछ नए वर्ड्स हमारे सामने आते हैं कल्चरल ट्रेंड्स होते हैं आपने सोशल मीडिया पे पर कुछ कल्चर में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ उनके लोगों को समझ आते हैं हम जैसे लोगों को समझ नहीं आते क्यों क्योंकि उनके कल्चर का वर्ड है इसी तरह सोशल पे बहुत से ऐसे वर्ड है जैसे हम कहते हैं ट्रेंड ये इसकी चीज़ का ट्रेंड चल रहा है कोई भी म्यूज़िक है कोई वर्ड है जब हम यूज़ करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इस वर्ड को जो आजकल एज अ ट्रेंड के तौर पर यूज़ किया जा रहा है दैट मे नॉट हैव डायरेक्ट इक्वेलियंट इन द टारगेटे लैंग्वेज अब इसका टारगेट लैंग्वेज में लाइक like, कोई इक्वेलियंट नहीं होता एज अ रिजल्ट ट्रांसलेटर मस्ट ओपन चूज़ बिटवीन रिटेनिंग द औरिजनल न्योलॉजिज़म और फाइंडिंग अ फंक्शनल इक्वेलियंट इन द टारगेट लैंग्वेज तो ट्रांसलेटर यही करता है कि यार इसको जो है किसी न किसी तरह सर्च कर सके और फिर उस वर्ड का मीनिंग निकाल सके और फिर जब वो ट्रांसलेट करेगा ताकि उनके जो कल्चर है उस में उस वर्ड को बेहतर समझा सके One strategy for translating neologism is to retain the original word and provide a gloss or explanation in the target language. अब एक strategy ये है translator क्या करता है जब भी वो translating neologism मतलब translating and new words या new phrases तो वो क्या करता है उसको जो है original ही रहने देता है मतलब उसको translate ही नहीं करता ये इसके पास एक choice होती है एक strategy है This approach is often used when the neologism is tied to a specific cultural or historical context that may not be familiar to readers in the target language. ये तब किया जाता है जब readers उस culture से वाकिफ़ नहीं होते अब मैं आपको example देता हूँ सपोज़ आप रीडर हों और मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो नए वर्ड होंगे अब मुझे तो शायद समझ आ जाए कि यार इसका मतलब ये है लेकिन मैं उन्ही वर्ड्स को सेम टू सेम एग्जैक्टली प्रोनाउंस करूँगा एग्जैक्टली रीड आउट करूँगा आप लोगों के लिए उसका मीनिंग आपको नहीं बताऊँगा क्यों क्योंकि आप उस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हो आप जिस जिसने ये बुक लिखी है आप उसके बन, उस बंदे के कल्चर से वाकिफ़ नहीं हो सो सेम टू सेम कुछ ऐसे ये एक स्ट्रैटेजी है ठीक है यहाँ पे आपको बता दिया कि वन स्ट्रेटजी अनदर स्ट्रैटेजी इज़ टू क्रिएट अ फंशनल इक्विलियंट इन द टारगेट लैंग्वेज दिस इन अप्रोच इन वॉज आडेंटिफाइंग द अंडरलाइंग कन्सेप्ट और मीनिंग ऑफ द न्योलॉजिजम एंड फाइंडिंग अ वर्ड और पेज इन द टारगेटेट लंग्वेज दैट कन्वेज अ सिमिलर आइडिया दूसरी स्ट्रेटी ये है एक तो वो पहली स्ट्रेटी दूसरी स्ट्रेटी है ये यहाँ तक इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि दूसरी स्ट्रैटेजी ये कि इसमें यह बताया जाता है कि जो ट्रांसलेटर है वो उसके मीनिंग को सर्च करता है जब वो उसके मीनिंग को सर्च करता है तो वो एग्जैक्टली exactly आपको सेम टू सेम ट्रांसलेट करके देता है वो इस तरह कि मतलब जब वो नियोलॉजिज़म वर्ड्स या न्यूज़म न्योलॉजिज़म प्रेजेस को देखेगा सो उसके मीनिंग जानेगा और फिर वो ट्रांसलेटर के अब ट्रांसलेटर के बहुत से काम होते हैं ट्रांसलेटर क्या करता है फिर आपके कल्चर में उस वर्ड को ट्रांसलेट करेगा मतलब ये देखा गया ट्रांसलेटर कि आपके कल्चर में इस वर्ड का क्या मतलब हो सकता है तब वो जाके आपके लिए वो वर्ड या वो वेज ट्रांसलेट करेगा नोलॉजिज़म का जो वर्ड या प्रेस होगा वो आपके लिए ट्रांसलेट किया जाएगा कन्फ्रंटिंग द नावल अब यहाँ पे नावल की बात आ गई क्योंकि इस वीडियो में जो है लाइक like इस टॉपिक में हम नावल की बात करेंगे नावल से रिलेटेड है ट्रांसलेशन इन नावल लाइक इस न्योलॉजिजम इन नावल कन्फ्रंटिंग द नावल इन ट्रांसलेशन इन वॉज अ सिमिलर सेट ऑफ चैलेंजेस एज ट्रांसलेटर मस्ट नेविगेट द कंप्लेक्सिटीज ऑफ ट्रांसलेटिंग न्यू और एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर दैट मे नॉट हैव डायरेक्ट इक्विलेंट्स इन द टारगेट लैंग्वेज तो नावल में भी क्या होता है जब आप किसी नावल को ट्रांसलेट करते हो ऑबियसली कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो टारगेट लैंग्वेज में शायद आपको समझ ना है या आप उसको बेहतर ना समझा सकें तो उसके लिए आगे इन्होंने क्या दिया है आगे कंसेप्ट है इन सम केसज ट्रांसलेटर्स में नीड टू क्रिएट अव ओकेबलरी ऑफ स्टाइलिस्टिक कन्वे इन ऑर्डर टू कैप्चर द यूनिक क्वालिटीज़ ऑफ़ दिजिनल वर्क अब इसका ये मतलब है कि ट्रांसलेटर का मकसद सिर्फ ये नहीं कि आपको वो ट्रांसलेट करके दे दें वो तो आपको ओब्वियसली ट्रांसलेट करके दे देगा पूरा नावल जैसे हम नावल को देखते हैं ना जब हम नावल को हम उस नावल को क्या करते उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं ठीक है अब ये जब ट्रांसलेशन होती है ये क्या होती तो है एक टारगेट लैंग्वेज में हम जो है टारगेट लाइक नावल को ट्रांसलेट करते हैं अब उसमें क्या होता है हम आपको ये भी बता देते कि इस राइटर का क्या स्टाइल है और किस किस्म की न्यू कैबलरी उसने यूज़ किया क्या स्टाइलिस्टिक किया क्या कन जो टोन है उसने यूज़ किया सब कुछ उसमें बताया जाता है और ओवरऑल ट्रांसलेटिंग न्यूलॉजिज़म एंड कन्फ्रंटिंग द नावल रिक्वायर्स ट्रांसलेटर्स टू बी क्रिएटिव मतलब कहता है कि अगर किसी भी ट्रांसलेटर ने नावल को ट्रांसलेट करना है तो उसको क्रिएटिव होना चाहिए कल्चरली सेंसिटिव मतलब और ये कि उसको कल्चर के साथ वाकिफ़ होना चाहिए जो आ, नावल दूसरे लोगों के लिए जब वो ट्रांसलेट करेगा तो उनके कल्चर और अपने कल्चर को जो है उसको समझना होगा कि उनके कल्चर में इस वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है और मेरे कल्चर में इस वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है एंड अटेंड टू द नॉन ऑफ बोथ द सोर्स एंड टारगेट लैंग्वेज एस आई सी एड के दोनों लैंग्वेज का पता होना चाहिए अपने लैंग्वेज और उसके लैंग्वेज का या जो सोर्स टारगेट लैंग्वेज है ट्रांसलेटर मजबी विलिंग टू टेक रिस्क एंड लाइक मेक बोल चॉइस इन ऑर्डर टू कैप्चर द एसेंस ऑफ दरिजनल टेक्सट एंड कन्वे टू आर रीडर्स इन अ न्यू कल्चरल एंड लैंग्विस्टिक कॉन्टेक्स कहता है कि ट्रांसलेटर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप like, को लाइक अवेयर रख सके औरिजिनल टेक्स्ट को बेहतर से बेहतर कन्वे कर सके रीडर्स के लिए कल्चरली एज़ वेल एज लैंग्विस्टिक कॉन्टेक्स के थ्रू सो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम ट्रांसलेसन एंड लिटरेचर डिस्कस करेंगे आज के लिए इतना ही काफ़ी आई uh, होप आपको ये वीडियो पसंद आए होगी पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि अल्लाह फेफे टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ